बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये बड़ा अहम मामला है जिस पे मैं चाहता हूँ कि मैं हाउस को जो भी तफसीलात हमारे सामने हैं वो पेश करूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पाबंदी जो है ये पिछली हुकूमत लगा के गई थी। मैं आपको वजूहात भी बताऊँगा उन्होंने क्यों लगाई, मगर ये बात वाज़े होनी चाहिए कि ये पाबंदी जो है पिछली हुकूमत लगा कर गई थी, वज़ीर आज़म उस वक्त के जो हैं उन्होंने लगाई थी पाबंदी। अब मैं आपके सामने कुछ मौजूदा जो सिचुएशन है वो पेश करना चाहूँगा। इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है जी कि हमारी जितनी भी मुल्क के अंदर गैस आ रही है उसमें से 25-26 फीसद के करीब जो है वो जा रही है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, 17% जा रही है इंडस्ट्री को और तकरीबन 18% जा रही है फर्टिलाइज़र को, 32% के करीब जा रही है ये बिजली से जो कारखाने चलते हैं जिसकी वजह से हम लोड शेडिंग पे काबू पाते हैं उस पर। तो ये बात आपके सामने मैं हाउस के सामने रखना चाहता हूँ कि जितनी भी गैस हमें मिलती है वो किस जगह पे जा रही है। दूसरी अहम बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जितनी हमारी ज़रूरियात हैं और जितनी हमारी लोकल गैस है उससे वो ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकती, किसी भी सूरत पूरी नहीं हो सकती। और ये सिचुएशन रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है। हमारी डिप्लीशन रेट का मतलब है कि हर साल जो इजाफी गैस डिस्कवर होती है वो 10% हमारे गैस के ज़खायर हर साल कम होते जा रहे हैं। और 2030 जो सिर्फ 7 साल 8 साल में है, 2030 में 76% हमारी गैस जो है अगर यही सूरत हाल रही तो वो LNG होगी, यानी सिर्फ 24% गैस हमारी अपनी होगी जो हमारे कुओं से निकलती है और 76% गैस वो होगी जो LNG के ज़रिए हमें मिलती है। अब उसमें मसला क्या है? उसमें मसला ये है कि LNG की कीमत जो है वो तकरीबन 4 गुना से ज़्यादा है हमारी डोमेस्टिक गैस की प्राइस से। इसका मतलब है कि अभी भी हम जो गैस ले रहे हैं LNG की शक्ल में वो 4 गुना महंगी है, और आने वाले वक्त में जब 76% ये गैस, यानी 2030 में 76% गैस LNG होगी और 24% गैस लोकल होगी, तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, LNG की कीमत जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। इस वक्त सर जो हमारी अपनी गैस है यानी हमारे मुल्क के जो ज़खायर हैं उनमें से जो गैस हम ले रहे हैं उसमें हम जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं जो सबसे ज़्यादा जिनका बड़ा राइट है और हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोहतरम है, उनमें जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो हर एक यूनिट के ऊपर 68% से लेकर 87% तक सब्सिडी हम दे रहे हैं इस वक्त लोअर 2 स्लैब्स को। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लोअर स्लैब्स यानी जो सबसे कम इस्तेमाल करने वाले जनरली गरीब लोग हैं जिनको हम 68% 68% से लेकर 88% तक सब्सिडी दे रहे हैं, ये SNGPL के सर्किट के अंदर हैं तकरीबन नंबर दे दूं 91% सर 91% और SSGC के अंदर हैं तकरीबन 80%। और अगर आप इसके अंदर तीसरा स्लैब डाल दें जिसको हम सब्सिडी उसको भी देते हैं थोड़ी कम देते हैं तो ये नंबर 99% तक पहुंच जाता है। तो हमारे जो सबसे ज़्यादा मोहतरम सिटीजन्स जिनको हम ये गैस दे रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेल हेड के ऊपर यानी हमारे जो ज़खायर हैं उनके ऊपर जो हम सब्सिडी दे रहे हैं वो 68% से लेकर तकरीबन 88% तक सब्सिडी जो है वो इस वक्त दी जा रही है। जब यही नंबर आप LNG पे चले जाएं, क्योंकि पहला मुकदमा मैंने आपके सामने ये रखा कि आने वाले वक्त में 76% गैस LNG होगी, तो इस वक्त LNG जब हम देते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर को तो जो सब्सिडी है उसकी तादाद इन्हीं 2 सेगमेंट्स को वो 92% से लेकर 97% तक चली जाती। यानी जब आप 100 रुपये की लेते हैं LNG तो 3 रुपये आप सिर्फ उनसे वसूल करते हैं और 97 रुपये जो हैं वो हुकूमत दे रही होती है ताकि लोगों के चूल्हे जल सके। नतीजतन सर अभी तक 1.4
ट्रिलियन रुपए यानी 14,000 बिलियन रुपए की सब्सिडी जो है वो सर्कुलर डेट की शक्ल के अंदर हुकूमत के जो जो हमने वसूलियात करनी है उनके अंदर 1.4 ट्रिलियन यानी 1400 अरब, मैंने शायद पहले नंबर गलत बता दिया, 1400 अरब रुपए की सब्सिडी सर्कुलर डेट के अंदर बुक हो चुकी है। इस सब्सिडी के अंदर जो मैंने पहले जिक्र किया प्राइस डिफरेंशियल, वो सबसे बड़ा हिस्सा है, और उसके बाद जो दूसरा बड़ा हिस्सा है इस सर्कुलर डेट के अंदर वो है ये जो हम डाइवर्ट करते हैं एलएनजी लेके घर में फराहम करते हैं। बहरहाल ये एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन है हमारे सामने। इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरा मुकदमा आपको पेश किया कि गैस कनेक्शंस जो हैं उनको टेम्परेरली सस्पेंड किया गया है, क्योंकि अगर हम इजाफी गैस, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, कुल जो SNGPL को गैस मिलती है, कुल हर चीज के लिए जिसमें जिसमें पावर है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें घरेलू सार्फीन है, जिसमें सीमेंट है, जिसमें ये तमाम चीजें जिनका आप जिक्र सुनते हैं, वो तकरीबन 800 से सवा 800 MMCFD मिलियन क्यूबिक फीट पर डे उनको कुल मिलती है। हमारी सर्दियों के अंदर सिर्फ घरेलू सार्फीन की, सिर्फ घरेलू सार्फीन की जो जरूरत है SNGPL में वो 950 से लेकर 1350 MMCFD तक चली जाती है। मैं दोबारा आपको बता दूं सर ये नंबर्स, ये बड़े अहम नंबर हैं, कि कुल जो मिलती है SNGPL को गैस हमारे जो वेल्स हैं, हमारे अपने जखायर जो हैं, वो है तकरीबन 800 से 850 MMCFD, और सर्दियों में सिर्फ घरेलू सार्फीन की जो जरूरत है वो 950 से लेकर 1350 MMCFD तक चली जाती है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सस्पेंड, इस वक्त सस्पेंशन चल रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम इजाफी गैस लाकर, कुछ जखायर हैं जिनका मैं, जो हमने डिस्कवर किए हैं, जिनका ऐलान इंशाल्लाह आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर मैं कर दूंगा, और जैसे जैसे हमारे जखायर जो हमारे अपने जखायर हैं वो दरियाफ्त होते चले जाएंगे, जो बड़ी हम तेजी से उनको एक्सपेडाइट कर रहे हैं, बड़े बड़े सालों से फाइलें रुकी हुई थी उनको चला रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम काबीना के सामने एक मुकदमा लेकर जाएं कि चीदा चीदा जगहों पे जहां पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहां पे हमारे जो जखायर हैं उनसे कुछ ना कुछ सहूलत पैदा हो सकती है, वो सहूलत फराहम की जाए। मगर जब तक वो एनालिसिस मुकम्मल नहीं होगा, वो एक इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट होगा कि हम लोगों को उम्मीद दिला दें, वहाँ पर पाइपलाइंस बिछा दें और उसके बाद उनको गैस ना दे सकें। मिस आलिया कामरान टू आस्क वन क्वेश्चन। जी, सुई गैस आज की घरेलू जो शय है, इंतहाई अहम घरेलू शय है, और इसके बगैर घरों के जो चूल्हे नहीं जलते हैं। गो के इस वक्त मुल्क में इंतहाई शदीद किस्म की जो है कमी है गैस की, मगर इस गैस की कमी को कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। जहां एक तरफ मुल्क में गैस की लोड शेडिंग की जा रही है, वहीं पर जो है जो नेक कनेक्शन है उसकी जो बंदिश का अमल है वो काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, और जैसे मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि इस गैस की कमी को पूरा करना और दूसरे मुल्कों के साथ जो मुआहदे हैं इसकी ख़रीदारी के, वो हुकूमत की ही जिम्मेदारी है और हुकूमत को ही ये करने हैं। और जब मैं इस कमी की तरफ तवज्जो दिला रही हूँ तो मैं तवज्जो दिलाऊँगी उस ईरान के साथ ईरानी गैस का जो मुआहदा किया गया था, जो कई साल पहले किया गया था, और जिसमें ईरान से गैस जो है पाकिस्तान पहुंचनी थी पाइपलाइन के ज़रिए, और ईरान ने अपने हिस्से के जो पाइपलाइंस थी वो मुकम्मल उनका अमल हो चुका हुआ है। तो अगर ये मुआहिदा काबिल अमल है अभी, तो इसकी तकमील करके हम इस मुश्किल के पे काबू पाया जा सकता है, और अगर ये मुआहिदा काबिल अमल नहीं रहा तो हमें इसका मुतबादिल ढूंढना पड़ेगा। अहम चीज़ यही है कि अवाम को जो है वो रिलीफ मिलनी चाहिए, उनके नए कनेक्शंस जो हैं वो बहाल होने चाहिए, उनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी होनी चाहिए। मैं ये सवाल करूंगी यहाँ पर कि डिस्ट्रिक्ट जो है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो घरेलू कनेक्शन है उसका एक कोटा होता है, तो क्या वो कोटा जो है वो मनो अन जो है वो उस पर अमल दरामद किया जा रहा है, और क्या इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट के कितने घरेलू कनेक्शंस ऐसे हैं जो इस वक्त ज़ेरे इल्तवा हैं, और जो वो ज़ेरे इल्तवा जो ये बैकलॉग है उसको क्लियर करने के लिए अभी तक क्या इकदाम किए जा रहे हैं।
जनाब मुसद्दक मलिक साहब। मोहतरम स्पीकर साहब, अगर मैं आपको इख्तसार से बताऊं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा और आपके ज़रिए मोहतरमा हमारी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे भी, कि देखिए हकीकत ये है कि एक ऐसा एसेट यानी गैस जो हमारे पास नहीं थी, हमने ये सोचा कि हमारे पास है और हमने उसको बेच दिया। यानी वो चीज़ जो हमारे पास नहीं थी, ये गुमान करते हुए कि हमारे पास है, अगरचे नहीं थी, हमने उसे बेच दिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि जब हमने बेच दी तो इसका एक तरीकाकार वही था जो मोहतरमा ने आपने अभी ये फरमाया है कि गैस बाहर से लाई जाए, हुकूमत बाहर से लेकर आए, बिल्कुल ठीक बात है, और हुकूमत ला रही है। आपने देखा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 14 महीने की कलील मुद्दत में वो काम जो 3 हुकूमतें 14 साल में नहीं कर सकें, 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट के 2 रीगैसिफिकेशन के प्लांट लगा दिए, बहुत अच्छी बात है जी। प्रॉब्लम ये है कि जब आप बाहर से लाते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया उसकी जो कीमत है वो किसी के भी बारे में नहीं आती। आप घरेलू सार्फिन को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कतर को तो इससे गर्ज नहीं है ना, कतर का तो वो एक कौमी एक एसेट है जिसको वो बेच के अपने मुल्क को की तरक्की चाहते हैं, या कोई भी मुल्क, ऐसा ईरान या कोई भी और मुल्क, सऊदी अरेबिया या कोई भी और मुल्क, तो वो उस कीमत पर हमें गैस देते हैं जो बैनुल अक्वामी कीमत है। उस कीमत पर तो इंडस्ट्री के भी बारे में नहीं आती, घरेलू सार्फिन को तो बहुत ही बड़ा मसला है। अब आप सोचिए कि एक एसेट है जो बेच दिया जो था नहीं, जिस कीमत में वो आता है वो बारे में नहीं, तो वाहिद तरीका ये रह जाता है कि फिर हुकूमत 100 रुपए की खरीदे और 3 रुपए की बेचे, और 97 रुपए जो हैं वो खजाने से निकाल कर सब्सिडी की मद में डाल दिए जाएं। खजाने की जो सूरत हाल है वो आपके सामने बारहा पेश की गई है, और इंशाल्लाह बजट आपके सामने आएगा तो आपके सामने वो सिचुएशन भी आ जाएगी, तो मैं दोबारा आपके पास हाजिर हो जाऊंगा और यही मुकदमा आपके सामने रख दूंगा कि खजाने में वो जगह कहाँ है जहां पे 100 रुपए की गैस लेकर 3 रुपए की बेची जाए। तो फिर इसका वाहिद हल ये रह जाता है कि गैस की कीमत बढ़ाई जाए। यानी अगर लोगों को सहूलत देनी है तो किसी हद तक गरीब आदमी को तो जरूर सब्सिडी दी जाएगी, हर सूरत दी जाएगी, जैसा कि अभी पेट्रोलियम में भी दी गई है, मगर किसी को तो कीमत उठानी है। 100 रुपए की चीज 3 रुपए में बेचने इसकी जो 97 रुपए की कीमत है वो किसी को तो उठानी है, तो वो कीमत इस वक्त हमारे खजाने में है नहीं। जैसे हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पहले स्टेबलाइज करेंगे, फिर तरक्की की तरफ जाएंगे, हमारा खजाना भरेगा, तो ये खजाना है किसका? मुल्क के गरीब लोगों का है, तो उन्हीं की ये अमानत है, तो उन्हीं के हवाले वापस किया जाएगा, मगर किया उस वक्त जाएगा जब खजाना भर जाएगा। तो अभी तो हम खजाने को भरने के मरहले से गुजर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो आप कह रही हैं वो ज़रूर होगा, मगर उसके लिए थोड़ी सी हमें तंगी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैंने आपको, मैं इंशाल्लाह कुछ दिन में आपके सामने हाजिर हूँगा काबीना के सामने और आपके सामने, और पूरा प्लान कि किस तरह हमने अपने ज़खायर को बढ़ाना है, हम उसके लिए हुकूमत क्या क्या कर रही है जैसे कि आपने फरमाया, वो पूरा मैं, आप भी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके सामने भी वो पेश कर दूँगा, पूरा का पूरा, पूरी स्ट्रैटेजी जो है कि हम कैसे अपने ज़खायर को बढ़ाएंगे और बैरूनी जो हमारी डिपेंडेंस है उसको कम करेंगे। मैं इंशाल्लाह आपके सामने, ये नहीं मैं कह रहा कि मुझे 6 महीने दें, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर मैं वो पूरा प्लान जो है स्ट्रैटेजी आपके सामने ला के पेश कर दूंगा, और फिर आपसे रहनुमाई चाहूँगा कि आप मुझे बताइए इसमें क्या बेहतरी की जा सकती है। ईरान पाइपलाइन के हवाले से मैडम, बहुत अरसा पहले जब पिछली हुकूमत थी तो मैंने कुछ जो इंटरनेशनल लॉयर्स थे और कुछ उस वक्त के जो वज़ीर थे लॉ के, उनसे मुशावरत की थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 3 से 4 मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए हमारे ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं अगर हम वहाँ से वो गैस लें। अब उसको दोबारा उसका मुतालिया करना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं, हम दोबारा उसका मुतालिया कर लेते हैं कि क्या अब भी सैंक्शंस लगेंगी। लेकिन अगर सैंक्शंस लग सकती हैं तो अगरचे ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे इलाका में ज़खायर हमसाया मुमालिक में मौजूद हैं, वो हमें मिल जाएं तो हमारे लिए सहूलत पैदा हो जाएगी, मगर मिलेंगे थोड़ा सस्ता।
इतना सस्ता नहीं मिलेंगे कि हम जो इस वक्त गैस दे रहे हैं जिस कीमत पे, उस कीमत के ऊपर लोगों को फराहम कर सकें। तो फिर कीमत जो है उसको बेहतर करना होगा, लोगों को हम गैस फराहम करेंगे तो उसकी कीमत हमें किसी ना किसी तरीके से कुछ खजाने से और कुछ लोगों को कीमत अदा करनी होगी। ये ईरान गैस पाइपलाइन का हो गया मामला जो आपने ज़ेरे इल्तवा का कहा। SFGC के अंदर इस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल में 53,000 कनेक्शंस जो हैं वो इल्तवा में हैं, जिनको जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके पास चीज़ है नहीं वो आप देंगे कैसे।